up next, the founder and the director of up or up, up or up, up ka person, up or up. mr. Sipthan kazmi is a true people's person and he is the host of up or up. mr. kazmi actually is the ceo of a well-known mortgage company located right here in the heart of virginia, in tyson's corner. and uh, that company is called a money matter mortgage inc. मिस्टर काजमी इज ग्रेट एंडस्ट टू नाइट इज़ ए सुपरब एक्टर हिमसेल्फ़ ने गुड लुकिंग मिस्टर शुैब हसन एट्स खुवाक आपके सामने हाजिर और नाजिर होकर आप और आपको एक और एपिसोड आपके सामने पेश खिदमत है आज के एपिसोड में मेरे दरमियान और हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ मेरे उस्तादों में से भी हैं एक बहुत ही रंगीन कस्म के इंसान हैं इतनी वैरायटी और इतनी उनमें क्या कहते हैं वो कला भी है और मज़ा भी है और हंसी भी है तो बग़ैर किसी तख़ीर के आपके सामने मैं तारफ़ कराता हूँ जनाब शुैब अली हसन साहब शुैब साहब कैसे जनाब बिल्कुल ठीक हूँ और देखने वालों को मेरा भी याद आप लेकिन सिप्टैन ये जो तुमने मेरा इंट्रोडक्शन कराया है आ, इस इंट्रोडक्शन के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं वाकई कोई शख्सियत हूँ अदरवाइज अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा <laughs> नहीं था लेकिन बट थैंक यू सो मच ये तुमने तो आपका ये आ, क्या कहते हैं कि खाकशारी है एक आपका एक डाउन टू अर्थ शख्सियत है जो आपको कह रही है कि मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन आपने मुझे तो खैर बहुत कुछ सिखाया है और कितने लोगों को सिखाया है उसका तो मैं इल्म नहीं है लेकिन मैं पर्सनली गवाह कि आपने मुझे बहुत सिखाया है तो आ, हम बातें वादा करो कि ये नहीं बताओगे कि मैंने क्या सिखाया क्या सिखा, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं वो वो बनना तो, मुझसे लोग चुरा लेंगे राइट राइट तो नहीं अच्छा मैं श्वेब भाई को शो पे लाने का मकसद ये है कि शुएब भाई एक एक्टर जो टेलीविजन स्टेज रेडियो अमेरिका में आ, आ, पाकिस्तान में और कहाँ नहीं तो उसके बारे में कोई बताएं कि ये कब से कब तक का सिलसिला है सिप्त मुझे ऐसा लगता है कि आ, वैसे तो मैंने तमाम चीज़ें की हैं टीवी भी फिल्म भी और रेडियो भी लेकिन थिएटर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी घुट्टी में है अच्छा यानी जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगता है जैसे मेरी माँ ने घुट्टी में मुझे <laughs> कुछ थिएटर की चीज़ें मिक्स करके मुझे पिलाई पिलाया गया तो क्योंकि मुझे आ, अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मैं शायद थर्ड ग्रेड में था जब मैंने अपनी टीचर से जाके कहा कि मिस मैं ड्रामा करना चाहता हूँ अच्छा और उनको ड्रामे का कुछ पता नहीं था तो कहने के ड्रामा कैसे करोगे तो मैंने अभी नया नया शुरू किया था पढ़ना कहानियाँ बच्चों के रिसालों में तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी तो वो कहानी मैंने कहा मैं इसको ड्रामा करना चाहता हूँ अच्छा, और थर्ड ग्रेड में एक लड़की थी सिर्फ मुझे वो बहुत पसंद थी अच्छा इतनी अच्छी थी कि मुझे, है, मुझे पता नहीं कि इश्क है क्या है तीन, में, में लेकिन वो लड़की आज भी मेरे जहन में उसी तरीके से आ, तो मेरा ड्रामा करने का मकसद ये था कि उस ड्रामे में वो लड़की होगी इस तरह मेरी उससे दोस्ती हो जाएगी अच्छा अच्छा, अच्छा 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 तो ये सिलसिला मेरा जब शुरू हुआ हाँ। तो वो दिन और आज का दिन मेरा थिएटर कभी रुका नहीं अच्छा तो तीसरी जमात तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे किस संग की बात थी जी जी वो पूछिएगा हाँ। भी थी। नहीं नहीं मैं वो ऐसे नहीं कर सकता स्टेज भी किया आपने कहा अगर इन ये सारे मीडिया को हम कहें स्टेज आपको सबसे ज्यादा थिएटर सबसे ज्यादा पसंद उसकी कोई खास वजह सिफ्ट सबसे बड़ी वजह जो थिएटर मुझे पसंद है वो ये कि एक तो बहुत आम सी बात कही जाती है कि थिएटर में आपको फ़ौर रिस्पॉन्स बिल्कुल लेकिन मैं ये समझता हूँ कि और ख़ास तौर तो पे जो कम्युनिटी थिएटर है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है अच्छा। और उसकी जो अहमियत है उसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है उसकी वजह यह है कि थिएटर आपके अंदर एक कुत बर्दाश्त यानी टॉलरेंस जो है ना हाँ। वो वो पैदा करता है oh. क्योंकि आप थिएटर में डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट मजहब के लोगों के साथ डिफरेंट मुल्कों के लोगों के साथ कोई गुजराती है कोई सिंधी है कोई पंजाबी है कोई पाकिस्तानी है कोई हिंदुस्तानी है कोई मुसलमान है कोई सरदार है कोई सुन्नी है कोई शिया है हर आदमी मिलकर थिएटर में ड्रामा कर रहा होता है ah. और उसमें इतनी खूबसूरती है कि आप एक दूसरे को समझते हैं mm -hmm. वो आपकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है आप उसकी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं छोटी मोटी चीजों को आप दर गुजर करते हैं तो थिएटर में यह खूबी है कि जब आप उसमें से निकलते हैं दो तीन महीने रिहर्सल करने के बाद जी जी तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया और हुँ. फिर आपको लोगों को बर्दाश्त करने की जो एक शक्ति है वो आपके अंदर आ जाती है तो उसमें देखें सवाल एक जो है कि आपकी बात के दूसरे को समझना और उसकी बुराइयां दोनों जिस तरह ज़िंदगी करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आप एक है जो भी। बिल्कुल. तो आप ना सिर्फ एज शुएब अली हसन टॉलरेंस अपना बढ़ा रहे हैं बल्कि आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर भी उसको समझने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल अच्छा सबसे बड़ा मुश्किल मैंने आपके साथ ड्रामे किए हुए हैं जैसे हमने एक बहुत पर, आज से क्या पंद्रह साल होगा इस बात को हाँ, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं हमने किया था और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू इनके साथ ड्रामा करूं और फिर बड़ी बुआ जी हाँ। ये वो शोया भाई आप अपने आप को कैरेक्टर में किस तरह लेकर आते हैं कि कोई किरदार है आपका कोई भी हो आपको दिया गया हो देखो शुरू शुरू में जब थिएटर शुरू किया तो कोई आ, स्कूल तो गया नहीं एक्टिंग के सिर्फ़ तजरबे से और लोगों के साथ जो बड़े बुज़ुर्ग थे उनके साथ रह कर सीखा बल्कि तुम्हारे फादर के साथ मेरी खासी इस तरह सिचुएशन मेरी रही कि मैंने उनसे बहुत कुछ मतलब सीखने की कोशिश की हालांकि वो बहुत <laughs> बहुत बाकायदा एक्जेक्टली लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम लोग कोई कैरेक्टर करने लगते हैं तो उसमें कैरेक्टर में अंदर जाने का बहुत आसान तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को भूलना होता है कि तुम शोएब नहीं हो और और ये इतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि आप ना वो आदमी सोचने लगते हो जिसका आप कैरेक्टर कर रहे हो मिसाल के तौर पे मैं जिसने लाहौर नहीं देखा मैं एक बहुत बड़े पोइट हमारे नासिर काजमी का मैं कैरेक्टर कर रहा था तो मुझे मुझे उस कैरेक्टर में आने के लिए नासिर काजमी जो कि वो मर चुके थे तो डेफिनेटली मैं उनसे मिल तो नहीं सकता था नहीं। लेकिन मैंने उनके बारे में जितना जानने की कोशिश की वो इस तरह के मैंने उनकी चीज़ें सुनीं उनकी आवाज़ सुनी उनकी चीज़ें पढ़ीं फिर कहीं से इधर उधर से रिसर्च करके सोचा कि कहीं मुझे उनका वीडियो मिल जाए जो मैं उनको देख सकूं कि वो कैसे चलते थे सिगरेट कैसे पीते थे तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आस्ता आस्ता मुझे लगा कि मैं उनमें रहने लगा हूँ और जो उनकी तकलीफ जो उनका दुख था जो कैरेक्टर की डिमांड थी वो उस उसको महसूस करने लगा तो फिर किरदार में तो फिर जीना 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 जो है ना वो कि वो आपने किया एक्जेक्टली अच्छा तो और आपके लिए एक छोटा सा हमने सरप्राइज रखा हुआ है कि सरप्राइज क्या है कि मैंने थोड़ी सी तहकीकात की और आपका एक पुराना क्लिप हमें मिला है अच्छा। है अच्छा ठीक और मैं अपने नाजरीन को वो क्लिप जरूर दिखाना चाहूंगा हाँ। तो अगर आपकी इजाजत हो अरे नहीं बिल्कुल है, है, बिल्कुल अगर थैंक, है थैंक यू हाँ। तो एंड छोटा सा एक क्लिप है भाई की ड्रामे का और एक्टिंग का आप देखें कि सिर्फ जो बड़े बड़े पर्दों पे एक्टर्स होते हैं सिर्फ वही एक्टिंग नहीं कर सकते हमारे दरमियान हमारी कम्युनिटी में भी एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं रह चुके हैं और इंशाल्लाह जिंदगी में और भी करेंगे तो आपकी इजाजत के साथ दिरूर, ये दिरूर, प्लीज ये मुलाहिजा कीजिए आपकी तवज्जो चाहूंगा इस क्लिप की तरफ है, है कैसी बातें करती है रहमत बीबी और तेरी तेरी इज्जत तो हमेशा ही नाखों में रहमत बीबी हाँ ये और बात है कि अब इन को नजर कम आता है मास्टर जी रात की रोटी हमारे घर खा लो मास्टर जी तुम्हारी आंखों में आंसू तो बता रहमत बीबी और मैं क्या करता मैं कितना बेबस था तू तो जानती थी फिर भी मुझे दिल कहती मैं कितना मजबूर था इसका तुझे अच्छी तरह इल्म था तू भगा ले जाता मुझे गांव में यह वाक्य नया तो नहीं ना होता पर मेरे घर वाले कितने सख्त दिल के थे तू अच्छी तरह जानती है <laughs> कैसा लगा <laughs> ये महिला <मेरा> कहाँ से भाई <laughs> ये तो ढूंढने से तो खुदा मिल जाता अच्छा, अच्छा। है लेकिन ये इससे पहले कि मैं बताऊँ की क्लिप कहाँ का था आपने देखा आप बताइए कि इसकी कहाँ क्या हिस्ट्री है इसकी इसकी हिस्ट्री कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है ये पाकिस्तान टेलीविजन का एक मेरा लॉन्ग प्ले जिसे टेलीफिल्म कहनी चाहिए इसका नाम था एक थी सफिया और इसमें यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था और जो लड़की का हीरो है वो आ, पाकिस्तान से अमेरिका आ जाता है और उसके बाद जब वापस जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी शादी किसी और से हो गई है और वो लड़की जो है वो आ, उसको वो पहचान नहीं सका तो वो उसको अपनी कहानी सुना रहा है अच्छा अच्छा आई तो होप आपको पसंद आया हाँ। अच्छा आपने कम्युनिटी थिएटर की बात की तो यहाँ पे क्या है सिलसिला ड्रामा कब ड्रामा जो स्टेज का है थिएटर में वो आप अमरीका में कर रहे हैं कितना जमाना हो गया ऑलमोस्ट मैं बड़े मज़े की बात है कि 1978 की बात है कि जब हम हमारा एक छोटा सा ग्रुप था दोस्तों का तो हमने उस वक्त सोचा कि हमें यहाँ पे उर्दू हिंदी थिएटर करना चाहिए अच्छा। तो उस वक्त वाशिंगटन में कोई सीन नहीं था थिएटर का हाँ। कोई नाटे भारती कोई प्रवासी कला मंच किसी तरह का ग्रुप यहाँ पे कोई हिंदी उर्दू थिएटर नहीं कर रहा था अच्छा, अच्छा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम थिएटर शुरू करते हैं तो हमने कहा ड्रामा क्या करें तो फिर हमने सोचा कि हम खुद ही लिखते हैं तो उस वक्त ग्रीन कार्ड इतना बड़ा इशू था हाँ हाँ। कि मैंने फिर ग्रीन कार्ड के नाम पर एक ड्रामा लिखा स्टेज पे और सीरियस जो प्रॉब्लम्स थी ग्रीन कार्ड को उसकी कॉमेडी में मैंने उसको मैंने उसको ड्रामे को लिखा और कॉमेडी अट्रैक्शन है और ये मेरा ख्याल है कि पहला अटेम्प्ट था कि ग्रीन कार्ड के मौजू पर पूरी दुनिया में सबसे पहली चीज लिखी गई आ, उसके बाद फिर हॉलीवुड में फिल्म बनी अच्छा इंडिया पाकिस्तान में टेलीविजन के ड्रामे बने बट दैट द फर्स्ट प्ले वी रोड और वहां से हमारा थिएटर शुरू हुआ और जब चार ड्रामे करने के बाद फिर पता लगा कि एक वाशिंगटन में नाट्य भारती ने हाँ, मैं पूछना आपने नाट्य भारती और दूसरा क्या नाम दिया एक प्रवासी कला मंच एक पर तो अब ये दो जो है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा राइट तो ये जो दो इंस्टीट्यूट हैं ये सिर्फ ड्रामे करते हैं या एक्टिंग सिखाते भी हैं ये मतलब क्या है इनका सिलसिला ये असल में बेसिकली ड्रामा करते हैं सिर्फ अच्छा आ, काश ये स्कूल भी हो जाए जहाँ पर एक्टिंग की वर्कशॉप हो या थिएटर के रेफरेंस से जितनी भी चीजें उनकी वर्कशॉप हो क्योंकि अब हमें ज़रूरत है और मैं यहाँ पे एक बात जरूर ये कहूँगा कि ये जो कम्युनिटी थिएटर है इसका पर्पज़ सिर्फ ये था जितने जिसने भी बनाई प्रवासी का मंच नाटे भारती या जो हमने कि हम हिंदी उर्दू के प्ले करेंगे क्योंकि देखिए इंग्लिश प्ले तो प्रोफेशनल तरीके से हो ही रहे हैं जी जी बिल्कुल तो जब हमारा ग्रुप और ये जो ड्रामे के ग्रुप हैं जब ये कोई इंग्लिश में करता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार आ, हमारा मेन पर्पज़ तो ये था कि भाई अपनी ज़बान हिंदी जबान या उर्दू जबान में जो है ना वो हम ड्रामा करें हाँ। तो उसी का मज़ा है अदरवाइज इंग्लिश में तो फिर हम लोग ब्रॉडवे पे भी जाके देख सकते हैं कैनेडी सेंटर में भी देख सकते हैं तो मुझे ये मेरी ये रिक्वेस्ट है क्योंकि ये सब मेरे दोस्त हैं थिएटर कम्युनिटी जो है ना वो मेरी पूरी की पूरी दोस्त है और बहुत अच्छी दोस्त है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग उर्दू हिंदी में ड्रामे करें राइट हाँ। right.

आ, बहुत मशकूल हूँ कि आप आए खुवात हजरात इसके साथ ही हम आप और आपका यह एपिसोड ख़त्म करते हैं और इन शाला आप लोगों की दुआएँ रहीं और हमारी मेरी ज़िंदगी रही तो आपके सामने अगले महीने फिर मैं हाज़िर हूँगा तब तक के लिए सिप्तान का आज़मी इजाज़त मांगते हैं खुदा हाफ